बाथरूम की टाइल्स पर मिले खून के निशान, शातिर आफ्ताब की पोल खोलेगा ये अहम सबूत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आफ्ताब की पेशी, पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा है आफ्ताब। दिल्ली के महरोली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। ये अहम सबूत आरोपी आफ्ताब के बाथरूम की टाइल्स से मिले हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस ने FASL की जांच के अलावा ज़्यादा तकनीक से लैस CFSL से भी सबूत जुटवाए थे। जांच में CFSL ने आफ्ताब के घर के अंदर लगी टाइल से अहम सबूत निकाले हैं। बाथरूम की टाइल्स के बीच के गैप से खून के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि CFSL की रिपोर्ट आने में करीब 2 हफ्ते लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस भी तैयार है। दिल्ली पुलिस FSL के डॉक्टर्स के संपर्क में है। पुलिस का कहना है कि ज़रूरत के हिसाब से पॉलीग्राफी टेस्ट करा लेंगे। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि आफ्ताब और श्रद्धा का एक कॉमन फ्रेंड भी है जो ड्रग्स बेचा करता था। आफ्ताब के ड्रग्स लेने से दोनों का 3 बार ब्रेकअप भी हुआ था। फिर सुलह के बाद दोनों एक साथ रहने लगते थे। बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में पेशी हुई है। इस दौरान पुलिस ने आफ्ताब के रिमांड बढ़ाने की मांग की है। पुलिस की मांग पर कोर्ट ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं आफ्ताब ने कोर्ट में अपने परिवार वालों से मिलने की अपील की। आफ्ताब के इस अपील पर कोर्ट ने उसे परिवार से मिलने की इजाज़त दे दी है। वहीं पुलिस को कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। मैदान गढ़ी इलाके में स्थित एक तालाब से पुलिस ने कुछ हड्डियां बरामद की हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में यह हड्डियां इंसान के हाथ की लग रही हैं। इन हड्डियों को जांच के लिए CFSL भेज दिया गया है। कोर्ट में जज के सामने आफ्ताब ने बताया है कि वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है। काफ़ी वक्त हो जाने की वजह से उसे सही लोकेशन याद नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे याद कर रहा है। एक साथ सब कुछ याद नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें याद आती जाएंगी वो पुलिस को बताता जाएगा। उसने मैप बनाकर यही बताया है कि श्रद्धा के अंगों को कहां कहां फेंका है उसने।